आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा का आरंभ किया और आपने पूरे राष्ट्र के सामने उत्तम विचारों के साथ संविधान का महात्म्य, संविधान की उपयोगिता और संविधान निर्माण के पीछे राष्ट्र के महापुरुषों की जो दीर्घ दृष्टि थी उसको बहुत ही प्रभावक ढंग से प्रस्तुत किया। आपका ये भाषण संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रेरक दस्तावेज बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सदन में भी इस कार्यक्रम में जो रुचि दिखाई गई, सबने एक मत से जो समर्थन किया और अपने अपने तरीके से संविधान के महात्म्य को और उसके प्रति प्रतिबद्धता को जिस प्रकार से चर्चा के द्वारा प्रस्तुत किया, मैं इसके लिए सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं नहीं मानता हूं, कुछ लोगों की ये गलतफहमी है और शायद पुरानी आदत के कारण चलता होगा, कहीं मैं देख रहा था तो प्रधानमंत्री चर्चा के आखिर में जवाब देंगे। मैं नहीं मानता हूं कि ये चर्चा उस रूप में है। मैं भी इन सभी सदस्यों जैसा एक सदस्य हूं और जैसे सभी माननीय सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की, वैसे ही मैं अपने भाव पुष्प अर्पित करने के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि इस चर्चा का स्पिरिट वही है। मैं और तू ये स्पिरिट नहीं है इस चर्चा का, ये स्पिरिट चर्चा का हम है, पूरा सदन है, देश के सब जनप्रतिनिधि है। और इसलिए और आखिरकार इस चर्चा का मूल उद्देश्य भी वही था। ये बात सही है, 26 जनवरी हम हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है 26 नवंबर, इसको भी उजागर करना उतना ही आवश्यक है। और 26 नवंबर को उजागर करके 26 जनवरी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। 26 जनवरी की जो ताकत है वो 26 नवंबर में निहित है, ये उजागर करने की आवश्यकता है। मैं जानता नहीं हूं आज स्कूलों के सिलेबस के विषय में डिटेल में, हर राज्य के अपने अपने सिलेबस होते हैं, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था और उसमें थोड़ी सा परिचय आता था हमारे संविधान का, लेकिन बाद में जाकर के वो करीब करीब खो जाता था। और या तो कोई वकालत के व्यवसाय में जाए तो वो, या तो कोई राजनीति में आए तो वो, उन तक ही हमारा संविधान की सारी गतिविधि सीमित हो गई। भारत जैसा देश, विविधताओं से भरा हुआ देश, हम सबको बांधने की ताकत संविधान में है, हम सबको बढ़ाने की ताकत संविधान में है। और इसलिए समय की मांग है कि हम संविधान की सेंटिटी, संविधान की शक्ति और संविधान में निहित बातों से जन जन को परिचित कराने का एक निरंतर प्रयास करें। और इसको हमने एक पूरा रिलीजियस भाव से, एक समर्पित भाव से इस प्रक्रिया को करना चाहिए। 26 नवंबर संविधान दिवस के माध्यम से
सरकार की ये सोच है और इसमें धीरे धीरे सुधार भी होगा, इवॉल्व होगा, क्योंकि ये तो प्रारंभिक विषय है, कोई चीज़ अल्टीमेट नहीं होती है, उसमें निरंतर विकास होता रहता है। हम इस व्यवस्था को प्रतिवर्ष कैसे आगे बढ़ाएं, हमारा ये नहीं कहना है कि ये तो इस बार एक विशेष पर्व था, बाबा साहब अम्बेडकर का 125 वर्ष जब देश मना रहा है तो उसके कारण संसद के साथ जोड़ करके इसका कार्यक्रम की रचना हुई, लेकिन भविष्य में इसको लोकसभा तक सीमित रखना नहीं है, इसको जनसभा तक ले जाना है। व्यापक रूप से सेमिनार हो, डिबेट हो, कॉम्पिटिशन्स हो, हर पीढ़ी के लोग संविधान के संबंध में सोचे, समझे, चर्चा करें, एक निरंतर मंथन चलता रहना चाहिए। और इसलिए एक छोटा सा प्रयास उसका आरंभ हो रहा है और सदन में जिस प्रकार से सबने सकारात्मक भाव व्यक्त किए हैं उससे लगता है कि इसका महत्व है और आगे चल करके इसको बढ़ाना चाहिए और हम जरूर इसको आगे कोशिश करेंगे। जैसे मेरे मन में विचार आता है कि क्यों ना हम पूरे देश में लगातार भारत के संविधान के संबंध में ऑनलाइन कॉम्पिटिशनें करें, क्वेश्चंस हो, ऐसे कॉम्पिटिशन हो, ताकि पूरे देश को एक आदत बने, स्कूल कॉलेज हमारी जुड़ती रहें, स्कूलों के अंदर इसकी व्यवस्था हो, एक व्यापक रूप से हमारे संविधान की लगातार चर्चा होती रहे, ऐसे कई कार्यक्रमों की रचना आगे चलकर के सोची जा सकती है। एक बात मैंने लाल किले पर से कही थी, एक बार इस सदन में भी कही थी, लेकिन शायद कुछ चीजों को समझ करके भूलने का भी स्वभाव होता है और कुछ चीजें ऐसे ही भूल दी जाती हैं। मुझे याद नहीं इसके पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले पर से इस प्रकार से बात कही हो, मुझे याद नहीं है, कहा हो तो मैं उसको नमन करूंगा, लेकिन मैंने ये कहा था कि देश, इस देश में जितनी सरकारें बनी हैं सब सरकारों ने, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान से ये देश आगे बढ़ा है, ये मैंने लाल किले पर से कहा था, मैंने सदन में भी इस बात को कहा था और मैं आज दोबारा कहता हूं, ये देश कईयों की तपस्या से आगे बढ़ा है, सब सरकारों के योगदान से आगे बढ़ा है। हां, शिकायत ये होती है कि अपेक्षा से कहीं कम हुआ तो शिकायत होती है और वो लोकतंत्र में शिकायत का हक सबका होता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये कोई नहीं कह सकता, कह भी नहीं सकते। और इसलिए ये सभी, और ये मैं लाल किले पर से बोला हूं, मैं आज नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये मेरा कन्विक्शन है। और ये देश हम ये भी ना भूलें कि राजा महाराजाओं ने, सत्ताधीशों ने देश नहीं बनाया है, ये देश कोटि कोटि जनों ने बनाया है, जन जन ने बनाया है, श्रमिकों ने बनाया है, किसानों ने बनाया है, गरीबों ने अपने पसीने से बनाया है, शिक्षकों ने बनाया है, आचार्यों ने बनाया है, इस देश के कोट्यावधि लोगों ने सदियों तक लगातार अपनी अपनी भूमिका निभाते निभाते देश बना है। और इसलिए हम सबका दायित्व तो होता है उन सब के प्रति अपना ऋण स्वीकार करना, उनको नमन करना। संविधान के अंदर भी सबकी भूमिका रही है और उस समय जिनके नेतृत्व में देश चलता था उनकी विशेष भूमिका रही है। और इसलिए इतना उत्तम संविधान जो हमें मिला है,
इसकी हम जितनी सराहना करें उतनी कम है, हम जितना गौरव करें उतना कम है। और अगर संविधान को सरल भाषा में अगर मुझे कहना है तो हमारा संविधान डिग्निटी फॉर इंडियन एंड यूनिटी फॉर इंडिया, इस दो मूल मंत्र को साकार करता है, जन सामान्य की डिग्निटी और देश की एकता अखंडता। बाबा साहब अंबेडकर की भूमिका को हम कभी भी नकार नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं तो औरों के लिए कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक का नाम देंगे तो दूसरे का रह जाता, दूसरे का कैसे तीसरे का रहा, हर एक को लगेगा भाई हमारा भी तो योगदान था। और कुछ लोगों ने तो जीवन में इतनी ऊंचाइयां पाई हैं कि कोई उनका नाम दे या ना दे, उनके नाम को कभी कमी नहीं हो सकती, कोई उनको मिटा नहीं सकता है। हमें इतना विश्वास होना चाहिए और इसलिए ये विश्वास को पुनः प्रस्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश अनेक महापुरुषों के कारण बना है और उसका अपना महत्व है, हमने स्वीकार करना होगा। जब 2009 में संविधान के 60 साल हुए थे, मैं आज ये संविधान का कार्यक्रम की कल्पना लाया हूं, ये पहली बार नहीं है। मैं एक राज्य में मुख्यमंत्री था और 2009 में जब संविधान के 60 साल हुए तो हमने राज्य सरकार की तरफ से हाथी के ऊपर बैठने की पूरी व्यवस्था बना करके उसमें संविधान को सुशोभित करके रखा था और उसका यात्रा निकाली थी और मुख्यमंत्री स्वयं हाथी के आगे आगे पैदल चलता था संविधान के महत्व को लोगों को प्रशिक्षित करने। संविधान के 60 साल को हमने उस प्रकार से गुजरात की धरती पर मनाया था क्योंकि मैं उस समय मुख्यमंत्री था और इसलिए संविधान के मूल्य को हम स्वीकार करते हैं। हमारा संविधान, कभी हम आज सोचे इसी सदन को, हम इतने बड़े लोग हैं, जनप्रतिनिधि बनकर के आए हैं, अगर हमें एक काम दिया जाए कि जो मूल संविधान की प्रत है उसकी धाराएं नहीं है, उसमें जो ड्राइंग है, पेंटिंग्स है, उसको सिलेक्ट करने का सिर्फ काम दिया जाए, आज की हमारी चुनावी दलभक्ति, ये चुनावी दलभक्ति इतनी तीव्र हो चुकी है, मैं नहीं मानता हूं कि संविधान छोड़िए उसके अंदर जो चित्र है उसको भी सहमति से हम स्वीकार कर पाएंगे। हर चित्र के खिलाफ ऑब्जेक्शन आएगा, चित्र के कलर के खिलाफ ऑब्जेक्शन आएगा। इस मनस्थिति में हम पहुंचे हैं तब हमें अंदाज आता है कि उन महापुरुषों ने कितना बड़ा काम किया होगा। ये संविधान 3 साल के भीतर भीतर बना दिया और बहुतेक देशों का संविधान बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। भारत जैसे देश का संविधान बनाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। जिस देश में विश्व के सभी जो जीवित 12 धर्म हैं वो 12 धर्म यहां श्रद्धापूर्वक मनाए जाते हो, जिस देश में अलग अलग मूलों से निकली हुई 122 भाषाएं हो, जिस देश में 1600 से ज्यादा बोलियां हो, हर एक की अलग प्रायोरिटी हो, यहां ईश्वर में विश्वास करने वाले भी हो और ईश्वर को नकारने वाले भी लोग हो, यहां प्रकृति को भी पूजा करने वाले हो और पत्थर में परमात्मा के देखने वाले भी लोग हो, ऐसी विविधताओं से भरा, वहां के लोगों के एस्पिरेशंस क्या होंगे, उनकी आकांक्षाएं क्या होगी, उसको एक बैठ करके सोच करके बनाना। आज भी हम एक आध कानून बनाते हैं तो दूसरे ही सत्र में उसी कानून में एक शब्द रह गया, ठीक करने के लिए वापस लाना पड़ता है। हम ही सदन का हमारा अनुभव है, हम भी एक परफेक्ट कानून नहीं बना पा रहे, ये हकीकत है।
उसमें हमारी कमियां रहती हैं और दूसरे सत्र में आना पड़ता है और कहना पड़ता है एक शब्द गलती हो गई थी, ठीक करना पड़ेगा। संविधान निर्माताओं ने क्या क्या तपस्या की होगी, वो कौन सी उनकी मन की अवस्था होगी कि जो चीजें निकल के आई वो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। और इसलिए ये गौरवगान हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, उनको इससे परिचित करवाना, इन चीजों को उनको जानने के लिए कहना, ये हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। सदन के अंदर ही संविधान समिति हो जाए या सरकार को चलाने का एक डॉक्यूमेंट बन जाए तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की जड़ों को जो सिंचित करने का हमारा प्रयास है उसमें कमी रहेगी। और इसलिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संविधान की भावना और संविधान के सामर्थ्य को जन जन तक परिचित करवाना यह हमारा दायित्व बनता है। और मैं मानता हूं जिन जिन महापुरुषों ने योगदान किया है उन सबका उल्लेख करते हुए हमने इस बात को करना होगा। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तब संविधान सभा के प्रोविजनल चेयरमैन श्रीमान सच्चिदानंद सिन्हा जी ने एक बात कही थी, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा था और उन्होंने कोट किया था अमेरिकी संविधान के बारे में जोसेफ स्टोरी के शब्दों का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि जोसेफ स्टोरी ने कहा था, उनका कोट है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रियर्ड फॉर इमोर्टैलिटी, इफ द वर्क ऑफ मैन मे जस्टिफाई एस्पायर टू सच ए टाइटल। संविधान अमर रहने के लिए बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा कभी कोई चीज अमर हो नहीं सकती लेकिन संविधान अमर हो सकता है। ये बात मनुष्य कभी ये नहीं कर सकता है लेकिन किया था। बाबा साहब आंबेडकर की विशेषता की ओर हम नजर करें, दीर्घदृष्टा और महापुरुष कैसे होते हैं इसका उदाहरण है कि अगर किसी को इस सरकार पर प्रहार करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपने बचाव के लिए उपयोग करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपनी न्यूट्रल बात बतानी है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है। इसका मतलब उस महापुरुष में कितनी दीर्घ दृष्टि थी, कितना विजन था, कितने व्यापक फलक पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि जो आज भी विरोध करने के लिए भी वो मार्गदर्शक हैं, शासन चलाने वाले के लिए भी मार्गदर्शक है, न्यूट्रल मुख रक्षक बैठे हुए लोगों के लिए तोड़ने के लिए भी मार्गदर्शक है। ये अपने आप में एक बड़ा अजूबा है, वरना विचार तो कई होते हैं, हर विचार एक ही खेमे के काम आते हैं, सब खेमों के काम नहीं आते, एक ही कालखंड के लिए काम आते हैं, सब कालखंड के लिए काम नहीं आते हैं। बाबा साहब की विशेषता रही है कि उनके विचार हर कालखंड के लिए, हर पीढ़ी के लिए, हर तबके के लिए उपकारक हो रहे हैं। मतलब उन विचारों में एक ताकत थी, एक तपस्या का अर्क था जो राष्ट्र को समर्पित था और 100 साल के बाद का भी देश कैसा हो सकता है ये देखने का सामर्थ्य था, तब जाकर के इस प्रकार की बात निकल पाती है। और इसलिए सहज रूप से उस महापुरुष को नमन करने का मन होना बहुत स्वाभाविक है। बाबा साहब को जब मैं सोचता हूं इस संविधान के संबंध में, कभी कभी हम लोगों को लगता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें धाराएं हैं, जिन धाराओं से हमें क्या करना क्या नहीं करना उसका रास्ता खोजता है, सरकार कैसे चलानी, कैसे नियम रहे, संसद कैसे चलानी, क्या करना इसका है। लेकिन ग्रेनविले ऑस्टीन उसने भारत के संविधान का वर्णन करते हुए कहा, और बड़ा मैं समझता हूं इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा ये एक सामाजिक दस्तावेज है, वरना तो संविधान यानी एक कानूनी दस्तावेज हो सकता है। अगर संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर न होते, मुझे क्षमा करें मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, तो शायद हमारा संविधान देश चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए उत्तम हो सकता था। लेकिन
वो संविधान सामाजिक दस्तावेज बनने से शायद चूक जाता। ये सामाजिक दस्तावेज इसलिए बना है कि बाबा साहब आम्बेडकर की का दर्द, उनकी पीड़ा, उन्होंने जो झेला था, उस यातनाओं का अर्क उसमें शब्द बन करके शहर निकल रहा था, और तब जाकर के संविधान का निर्माण हुआ था, और तब जाकर के एक विदेशी व्यक्ति ने कहा था कि ये सामाजिक दस्तावेज है, और इसलिए ये वैधानिक विस्तार न मानते हुए सामाजिक दस्तावेज कहना, कभी कभी मुझे लगता है हम भी जानते हैं, हम सब मनुष्य हैं, कमियां हम सब में है, और एकाध गलत चीज हो जाए तो लंबे अरसे तक दिमाग में से जाती नहीं है। किसी ने एक शब्द बोल दिया हो तो छुपता रहता है, सब सामने मिलता है तो वो नहीं दिखता है, वो शब्द याद आता है। ये हम लोगों का स्वभाव है। आप कल्पना कर सकते हैं जी, एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो ये पूरी संभावना होती, वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो, कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है। वरना हम सब जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हमको मालूम है, एक शब्द भी ऐसा चुप जाता है, निकलता नहीं है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया, और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए, और इसलिए उस महापुरुष के लिए मुझे संस्कृत का एक पद याद आता है। स्वभावम न जहातेव साधुरा आपत गतो अपि सन, कर्पूरः पावक स्पर्शः सौरभम लभते तरा। ये बात बाबा साहब के लिए एकदम से सटीक बैठती है। इसका मतलब है, साधु की सच्ची परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। जैसे कपूर को आग के पास लाने पर उसके जलने का डर नहीं रहता, वह खुद जलकर अपनी सुरभि से सबको मोहित करता है। ये बाबा साहब आंबेडकर अपने साथ इतनी कठिनाइयां हुई और इतना यातनाएं हुई, उसके बावजूद भी हमारे पूरे संविधान में कहीं पर भी बदले का भाव नहीं है। सबको जोड़ने का प्रयास है, सबको समाहित करने का प्रयास है, और इसलिए बाबा साहब को विशेष नमन करने का मन होना स्वाभाविक है। 25 नवंबर 1949 बाबा साहब आंबेडकर ने स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में, स्वतंत्र भारत में नागरिकों को स्वयं कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक भाषण उन्होंने किया।
उन्होंने कहा इफ वी विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी नॉट मियरली इन फॉर्म बट ऑल्सो इन फैक्ट वॉट मस्ट वी डू द फर्स्ट थिंग इन माई जजमेंट वी मस्ट डू इज टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स ऑफ अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स आर ओपन देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर दिज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स दिज मैथड्स आर नथिंग बट द ग्रामर ऑफ एनार्की एंड द सूनर दे आर अबेंडन द बेटर फॉर अस यदि हम लोकतंत्र को एक रूप में ही नहीं बल्कि सच में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मेरे विचार में पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं वहां इन असंवैधानिक तरीकों का औचित्य नहीं हो सकता। यह तरीके और कुछ नहीं बल्कि अराजकता है और उन्हें शीघ्र ही छोड़ना हमारे लिए बेहतर होगा। मैं समझता हूं हम सब लोकतंत्र की परिपाटी से बड़े बड़े लोग हैं, हमारे लिए ये डूज एंड डोंट्स की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस दिन पंडित नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रारूप रखा, उद्देशक यानी उद्देश्यपरक प्रस्ताव था उनका, और उनका समर्थन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने किया था, और उसमें एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही थी पंडित नेहरू के समर्थन में, उस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने कहा था धर्मम क्षत्रस्य क्षत्रम, धर्म सत्य राजाओं में भी सर्वोपरि है, यह लोगों और शासक दोनों का शासक है, यह कानून की संप्रभुता है जिसका हमने दावा किया है। यहां धर्म यानी वो रिचुअल्स की बात नहीं है, संविधान की बात है, और उसने उन्होंने बहुत उचित ढंग से हमें हमारा मार्गदर्शन किया है। उसी प्रकार से प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 368 के संबंध में जो बात कही है, जो व्याख्या उन्होंने की है, क्योंकि आज इन विषयों में ना छोटी मोटी सुगबुगाहट हम सुनते रहते हैं और इसलिए इस बात को समझना ज़्यादा आवश्यक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, इट इज ए डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द पोजिशन एंड पावर ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। It also defines the powers of the executive and the powers of the legislature as against the citizens, as we have done in our chapter dealing with fundamental rights. In fact, the purpose of a constitution is not merely to create the organs of the state, but to limit their authority, because if no limitations was imposed upon the authority of organs, there will be complete tyranny and complete oppression. The legislature may be free to frame any law, the executive may be free to take any decision, and the Supreme Court may be free to give any interpretation of the law. It would result in utter chaos. संविधान आधारभूत दस्तावेज है, यह वह दस्तावेज है जो राज्यों के तीनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति और शक्तियों को परिभाषित करता है।
यह कार्यपालिका की शक्तियों और विधायिका की शक्तियों को नागरिकों के प्रति भी परिभाषित करता है, जैसा कि हमने मौलिक अधिकारों के अध्याय में किया है। वस्तुतः संविधान का उद्देश्य राज्यों के अंगों का मात्र सृजन करना नहीं है, बल्कि उसके प्राधिकार को सीमित करना है, क्योंकि यदि अंग के प्राधिकार पर कोई सीमा नहीं लगाई जाती तो वह पूर्ण निरंकुशता और पूर्ण दमन होगा। विधायिका किसी भी कानून को बनाने के लिए स्वतंत्र हो, कार्यपालिका कोई भी निर्णय लेने के स्वतंत्र हो, तथा सर्वोच्च न्यायालय कानून की किसी भी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हो, तो इसकी परिणति अराजकता में होगी। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत ही पूरी ताकत के साथ उन्होंने अपनी इस बात को कहा था। इसी बात को आगे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर, उन्होंने विधि आयोग के अध्यक्ष के नाते 46 जो रिपोर्ट दिया उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही है। द कमीशन बिलीव्स दैट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया विच इज गवर्न्ड बाय ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमसी कैन बी लेजिटिमेटली क्लेम ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज पैरामाउंट, विच इज द लॉ ऑफ लॉज विच कन्फर्म्स ऑन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी द रिस्पेक्टिव पावर्स असाइन टू देम द रिस्पेक्टिव फंक्शंस एंड प्रिस्क्राइब लिमिटेशंस विद इन विच द सेड पावर्स एंड फंक्शंस कैन बी लेजिटिमेटली डिस्चार्ज। गजेंद्र गढ़कर कहते हैं, आयोग विश्वास करता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जो कि लिखित संविधान द्वारा अभिशासित है, वहां सर्वोच्चता का दावा केवल संविधान द्वारा ही कानूनी रूप से किया जा सकता है। यह संविधान ही है जो सर्वोच्च है, जो कि कानूनों का कानून है, जो संविधान और राज्य विधायिकाओं, कार्यपालिकाओं और न्यायपालिका को उनकी शक्तियां प्रदान करता है, उनके संबंधित कार्य देता है, तथा उन सीमाओं को विहित करता है जिसमें उक्त शक्तियों का कानूनी रूप से अपने कार्यों में निष्पादन करती है। यानी इतना हमारा संविधान स्पष्ट है, सटीक है, और इसलिए ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इन सारी बातों को बार बार उजागर करें, और उजागर करके हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसकी दिशा में हमारा प्रयास रहना चाहिए। हमारे लिए आज संविधान और अधिक महत्वपूर्ण होता जाता है, क्योंकि विविधताओं में भरा देश है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के एस्पिरेशंस भी एक हमारा दायित्व है। और आज जब हम इस लोकतंत्र के मंदिर में एकत्र आए हुए हैं, वो कौन सा संकल्प है जो हमें एकजुट रखता है, और कौन सा संकल्प है जो हमें एक बढ़ाता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, आई फील हाउ एवर, इस बात की चर्चा यहाँ पहले एक बार हो चुकी है, आई फील हाउ एवर अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन। टू बी ए बैड लॉट, हाउ एवर बैड कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इट मे टर्न आउट टू बी गुड इफ दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी ए गुड लॉट। द वर्किंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिपेंड होली अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं महसूस करता हूं कि एक संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो या बुरा हो सकता है, क्योंकि जिन्हें इसे कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है जाता है वो एक अपात्र समूह भी हो सकता है। तथापि एक संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि जिन्हें इसे कार्यान्वित करने के लिए दिया गया है वे एक अच्छा समूह हो। संविधान का काम करना संविधान की प्रकृति पर ही पूरा निर्भर नहीं होता।
कल मैडम सोनिया जी ने भी इस बात का जिक्र किया था, आज भी राज्यसभा में इस बात का जिक्र हुआ है। और इसलिए संविधान की सेंटिटी, ये हम सबका दायित्व है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और ये ठीक है कि आखिरी चीज अल्पमत बहुमत से बनती है, लेकिन ये हम न भूलें कि लोकतंत्र में ज्यादा ताकत तब आती है जब हम सहमति के रास्ते पर चलते हैं। हम सहमति और समझौते के प्रयास करते हैं, लेकिन जब सारे प्रयास विफल हो जाए तब आखिरी रास्ता होता है अल्पमत और बहुमत का। इस सदन में एक तरफ ज्यादा लोग हैं इसलिए उनको यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि जो चाहे वो चीजें थोप दे, और इसलिए सहमति का हमारा रास्ता होना चाहिए, समझौते का रास्ता होना चाहिए और हर किसी का साथ और सहयोग मिलना चाहिए। कुछ नहीं बनता है, सारी बातें विफल हो जाती हैं तो फिर अंतिम मामला बनता है, वो अंतिम है, जबकि बहुमत और अल्पमत के तराजू से तोला जा रहा है। इस भावना को हमने आगे बढ़ाना होगा और इसलिए संविधान की उस भावना को आगे चलाने, और मैं मानता हूं मुझे आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इस सदन में बहुमत की परीक्षा हो रही थी, और जब बहुमत की परीक्षा हो रही थी तब नेक टू नेक मामला था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान गिरधर जी वे लोकसभा के सदस्य थे, असेंबली में जीत गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन इस्तीफा अभी दिया नहीं था, 15 दिन का समय होता है, और इसी समय वाजपेयी जी को अपना बहुमत सिद्ध करने की नौबत आई। उस समय देश में विवाद था, क्या करेंगे, वो सदन में आएंगे क्या करेंगे, और स्पीकर महोदय ने भी उनको कहा कि ठीक है आप आए हैं लेकिन अपने अंतरात्मा को पूछ करके जो करना है वो करिए, ऐसा कहा था। और बाद में उन्होंने अटल जी की सरकार के खिलाफ वोट किया और एक वोट से अटल जी की सरकार हार गई थी, एक वोट से सरकार हार गई थी। संविधान उच्च हाथों में होता है तब किस प्रकार का व्यवहार होता है और कभी गलती होती तो कैसा होता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। और मैं मानता हूं कि अटल जी ने जिस दिन, उस दिन का उनका भाषण और जिस ऊंचाई से उन्होंने अपनी सत्ता को छोड़ा था, इसको हम कभी भी भूल नहीं सकते कि क्या लोकतंत्र की ऊंचाई को उन्होंने स्वीकार किया था। हमारे देश में इतने हजारों साल का देश है, कमियां हमारे में आती है, कभी कभी बुराइयां भी प्रवेश कर जाती है, लेकिन कुछ हस्ती नहीं मिटती हमारी। ये जो हम बात बताते हैं ना, उसकी मूल ताकत क्या है? मूल ताकत ये है कि हजारों साल पुराना ये समाज, इसमें एक ऑटो पायलट प्योरिफिकेशन अरेंजमेंट है। हमने देखा होगा बुराइयां हमारे समाज में नहीं आई, ऐसा नहीं है, बुराइयां आई हैं, कभी कभी बुराइयों ने जड़ें जमा दी हैं, लेकिन उसी समाज में से लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने बुराइयों को खत्म करने के लिए जिंदगी खपा दी है। समाज के विरोध के बाद भी वो लड़े हैं और समाज की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने प्रयास किया है, समाज को समय अनुकूल उन्होंने बदलाव लाए हैं। हमारे देश में धार्मिक परंपराओं के रहते समाज ऐसा जकड़ गया था, पुरोहितों का ऐसा बड़ा तांडव चल रहा था, समाज एक प्रकार से विचित्र परिस्थिति में था, तभी तो इस देश में भक्ति युग आया। चैतन्य महाप्रभु कहो, मीराबाई कहो, नरसिंह मेहता कहो, कितने लोग आए जिन्होंने इस चुंगाल से समाज को बाहर निकाला था। यही तो समाज था जो कभी सती प्रथा में गर्व करता था, लेकिन राजा राम मोहन राय पैदा होते हैं, समाज के विरोध के बाद भी खड़े हो जाते हैं कि सती प्रथा ये पाप है, ये विधवा दहन है, ये कभी देश में चल नहीं सकता। समाज में बदलाव स्वीकार हो जाता है। कोई विद्यासागर राव पैदा होते हैं
जब एक महिला विधवा हो जाती है तो जीवन भर यातनाएं झेलनी पड़ती थी उस युग में, आज भी कभी कभी संकट कुछ समाजों में देखा जाता है, वो दिन कैसे होंगे जब विद्यासागर जी ने बीड़ा उठाया होगा और उन्होंने कहा होगा विधवा का पुनर्लग्न होना चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, कोई बाबा साहब अम्बेडकर, कोई ज्योतिबा फुले, जब समाज दलित पीड़ित शोषित वंचित गरीब उनकी उनकी बेरहमी की अवस्था थी, तब दलित पीड़ित शोषित के लिए कोई ज्योतिबा फुले कोई बाबा साहब अम्बेडकर मैदान में आते। छुआछूत का काल था, कोई नरसिंह मेहता कोई महात्मा गांधी उस कालखंड में निकल पड़ते हैं, राजनीति को बाजू छोड़ करके छुआछूत को खत्म करने के लिए जीवन खपा देते हैं। यही तो समाज जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है तो कोई जयप्रकाश नारायण निकल पड़ते हैं और अपने आप को खपा देते हैं। ये देश समाज के अंदर बुराइयां जब भी आई, ऐसा तो नहीं है बुराइयां नहीं आई है, लेकिन हर बुराइयों के समय हमारे अंदर ही एक व्यवस्था है, एक ऑटो पायलट अरेंजमेंट है, जहां से हर कालखंड में कोई ना कोई महापुरुष आता है जो समाज को दिशा दिखाता है और समाज को बचा लेता है, और यही तो हमारी ताकत है। आज संविधान हमारे लिए मार्गदर्शन है, लेकिन किसी जमाने तो वो भी नहीं था, तब भी समाज में लोग मिलते थे, और जब आज हमें संविधान का सहारा है, हम कितना कर सकते हैं। कभी कभार हम उस बिरादरी के लोग हैं जिसकी साख को बहुत बड़ी चोट लगी है। आजादी के आंदोलन में देश के लिए निकलने वाले लोगों के लिए समाज बड़े गर्व के साथ देखता था, उनके परिवार के प्रति भी बड़े गौरव से देखता था, लेकिन चाहे या न चाहे यह हकीकत है कि कुछ न कुछ ऐसे कारण है कि राजनीतिक बिरादरी की साख कम हुई है, समाज का उनके तरफ देखने का रवैया बदला है। नेता है, नमस्ते जी, ये है, ये हम लोगों के लिए चुनौती है कि हम अपने आचरण से व्यवहार से फिर से एक बार, क्योंकि ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है, इसकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, इसकी ताकत कैसे बढ़े। और इतनी बदनामी होने के बावजूद भी, इतनी बदनामी होने के बावजूद भी समाज लगातार हमको कोसता रहता है, हम राजनेता इन सब बुरे, हम राजनीतिक कार्यकर्ता इन्हें बुरे, हर प्रकार के पाप हमारे में पड़े हैं, ये सारा हम दिन रात सुनते हैं, लेकिन मैं देश को कहना चाहता हूं, यही राजनेताओं ने इसी सदन में बैठ करके अपने पर बंधन लगाने के निर्णय भी इन्हीं लोगों ने किए। आप देखिए इलेक्शन कमीशन का, जो हम चुनाव लड़ते हैं तो फॉर्म भरते हैं, हम खुद लिखते हैं कि मेरे पर इतने गुनाह हैं, हम खुद लिखते हैं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, चल अचल ये सारा, ये कोई हम पर थोपा हुआ विषय नहीं था, ये राजनेता और सरकार किसकी थी मेरा विषय नहीं है, इसी सदन में बैठे हुए सांसदों यही राजनीतिक दलों के नेताओं ने ये आत्मसंयम स्वीकार किया, उन्होंने बदलाव किया। इतना ही नहीं, ये चिंता रही कि चुनावों में खर्चा ज्यादा होता है, काले धन का उपयोग होता है, कम होना चाहिए, यही राजनेता उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ सर्वसम्मति से मत बनाया हम अकाउंटिंग सिस्टम करेंगे। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन का डेली अकाउंट दो, जितने बंधन आते जाते हैं राजनीतिक दल स्वीकार करते जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको भी लगता है कि राजनेता संवेदनशील है, किसी भी दल का, किसी भी परंपरा से आया हो, लेकिन उन्होंने संवेदनशीलता के साथ राष्ट्र के कल्याण के लिए जिम्मेवारियां निभाई है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देश के राजनीतिक बिरादरी को उस प्रकार का महत्व। हमारे यहां एक समय आया जब मंत्रियों की संख्या बढ़ने लगी, राजनीतिक दबाव बढ़ने लगे, संतुलन बिठाने की मुसीबत आने लगी, तो यही राजनेता संसद के अंदर बैठे हुए राजनीतिक दल उन्होंने मिलकर के तय किया, नहीं हम कोटा सिस्टम करेंगे, इतने परसेंट से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। हमने पालन किया, हमने अपने पर बंधन लगाए। मैं मानता हूं लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता है कि हमें जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल फील्ड के लोग अपने पर बंधन लगा रहे हैं, समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी, कभी देर होती होगी, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर लिया कि भाई इतनी सजा के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद कानून बना सकती थी,
कानून बना करके छुटकारा ले सकती थी, लेकिन यही संसद है, यही राजनेता है जिन्होंने अपने पर उस कानून को स्वीकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर सजा हुई है तो मैं नहीं आऊंगा। ये चीजें हमारे वो पहलू हैं जिसके लिए हम गर्व कर सकते हैं, और इसलिए हम राजनीतिक जीवन में होने के बावजूद भी हमने इन मर्यादाओं को आज हमने स्वीकार किया है और हम उसको प्रयास करते हैं। ये सदन, एक से बढ़कर एक स्टॉलवर्ट लोग इस सदन में आकर के बैठे हैं, और इस सदन की विशेषता रही, मुझे याद है मैं जब पार्टी के संगठन का काम करता था तो टीवी डिबेटों में जाना होता था और प्राइम टाइम रहता था, उस समय तो बहुत ही वो मांग रहती थी। एक बार मैं और गुलाम नबी आज़ाद हम लोग टीवी डिबेट में थे, काफ़ी तू-तू मैं चलती थी, स्वाभाविक था वो, लेकिन बाद में जब पूरा हुआ तो हम स्टूडियो में बड़ी मस्ती से चाय वगैरह पी रहे थे। तो उन पत्रकारों से और उनके कोई सीनियर व्यक्ति भी थे, मुझे आज़ाद नहीं है, तो गुलाम नबी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा देखो भाई आप भले मानते हो हम ऐसे एक दूसरे के दुश्मन जैसे लगते हैं, लेकिन कभी संसद में आके देखिए हम कैसा एक फैमिली की तरह बिहेव करते हैं, कितना अपनापन हमारे बीच होता है। ये कोई मोदी ने लाया है, पिछले 50 साल से सबने तपस्या करके लाया है, और इसलिए इन महान चीजों का गुणगान, इन महान चीजों का आदर, और इसको और पनपाना ये हम एक समय था इस सदन के अंदर तीव्र विरोध हो तो भी, एक बार राम मनोहर लोहिया जी ने सदन में, बड़ी ऐतिहासिक बात है, आंकड़ों के द्वारा उन्होंने पंडित नेहरू को यह बताया कि आपकी नीतियां देश के काम में नहीं आने वाली, गलत है। राम मनोहर लोहिया विपक्ष में थे, जमकर के बोले, लेकिन गौरव तो इस बात का था कि पंडित नेहरू खड़े होकर के कह रहे हैं कि मैं आपके आंकड़ों को नकार नहीं सकता हूं। यह ऊंचाई थी इस देश में, पंडित नेहरू ने ऊंचाई दिखाई थी। हम सत्यनिष्ठ जो बुद्धि है उसका हम अपने साथियों का गौरव करना होगा, संविधान की उस भावना को हम तभी स्वीकार कर पाएंगे, और इसलिए ये जो हमारी बौद्धिक सत्यनिष्ठा है, हमारे सभी सदस्यों को ईश्वर ने कुछ न कुछ दिया है, उसका आदर सत्कार करने का भाव, ये हमारी सहज प्रकृति बनी चाहिए। कभी कभार एक बात जो हमारे लिए चिंता का विषय है, हुआ क्या है कि आजादी के आंदोलन में जो महापुरुष थे वे समाज को समय समय पर दिशा देते थे, वो जज्बा था उन नेताओं में, वो कह सकते थे गलत है मत करो, ये नहीं कर सकते हो, ये ताकत थी। महात्मा गांधी तो कभी कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं थे, लेकिन समय रहते हम ऐसी आश्रित अवस्था में आ गए हैं कि हमें हमारे जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं उनको कुछ कहने की हमारा हौसला नहीं रहा है। ज्यादातर हमारे संविधान का एक ही पहलू जाकर के आया है और वो राइट, हर दूर मेरा हक क्या, मेरा अधिकार क्या, इसी के आसपास देश चल पड़ा है। इस पवित्र अवसर पर मैं सदन से प्रार्थना करता हूं, मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि समय की मांग है कि हम अधिकारों को जितना बल दें उतना ही हम अपने कर्तव्य पर भी बल दें, ड्यूटी पर बल दें। देश अधिकार और कर्तव्य के मिक्स भाव से चल सकता है, वरना देश नहीं चल सकता है। वरना हमारे सरकारी अफसरों को भी पूछोगे किसी काम पूछो क्या होता है, सबसे पहला सवाल आता है अच्छा अच्छा ये है मेरा क्या, वहीं से शुरू होता है मेरा क्या, और मेरा क्या का जवाब अगर नेगेटिव आया मुझे क्या। ये जो अवस्था है मेरा क्या और मेरा कुछ नहीं तो फिर मुझे क्या, जाओ मरो, ये स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। कर्तव्य भाव जगाना होगा, और तब जाकर के महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे अगर कागज मिल जाए तो मैं कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी, और मैं मानता हूं एक हम लोगों के लिए और देश के लिए भी याद करने जैसा है। आज पूंजीपति और जमींदार अपने अधिकारों की बात करते हैं, दूसरी तरफ
मजदूर अपने हितों की, रजवाड़े अपने प्रभुत्व की और किसान उनके इस अधिकार की अवहेलना की। यदि सभी केवल अपने अधिकारों की बातें करें और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लें तो परिणाम अव्यवस्था और अराजकता होगी। यदि सभी अपने अधिकारों के स्थान पर कर्तव्य की बात करेंगे तो शीघ्र ही मानवता में रूल ऑफ ऑर्डर की स्थापना स्वतः हो जाएगी। राजाओं को शासन करने का कोई दैवीय अधिकार नहीं होता और न ही किसानों को कोई फर्ज होता है कि वो अपने आकाओं का हर हुक्म माने। ये गांधी जी के शब्द थे और इसलिए जब हम संविधान की चर्चा करते हैं तब हमारे सामने ये प्रमुख बात रहती है कि हम कर्तव्य पर बल कैसे दें, हम कर्तव्य के प्रभुत्व की ओर हम समाज को ले जाना में अपनी कोई भूमिका अदा कर सकते हैं क्या, तो हमें करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। इस बात में संविधान के समापन का जब चल रहा था तब डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, सभी को आश्वासन देते हैं कि हमारा प्रयास होगा कि हम गरीबी और बदहाली को और इसके साथ ही अर्थात भूख और बीमारी को खत्म करें, अंतर और शोषण को समाप्त करें और जीवन की उत्तम दशाएं सुनिश्चित करें। हम एक महान मार्ग पर यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमें आशा है कि इस यात्रा में हमें अपने सभी लोगों की उदार सेवा और सहयोग मिलेंगे तथा सभी समुदायों को सहानुभूति और समर्थन हासिल होंगे। आज के समय में संविधान हमारे पास है, ये कोई भ्रम फैलाते होंगे तो गलत है। न कभी कोई संविधान बदलने के लिए सोच सकता है और मैं मानूंगा अगर कोई सोचेगा तो आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उन महापुरुषों ने जो सोचा है आज की अवस्था में कोई कर ही नहीं सकता है। तो हमारा तो भला उसमें है कि इसको अच्छे ढंग से हम कैसे गरीब दलित पीड़ित शोषित के काम में लाएं, हमारा ध्यान उसमें होना चाहिए। और बाबा साहब आंबेडकर ने यह आरक्षण की व्यवस्था को बल न दिया होता तो कोई मुझे बताएं कि मेरे दलित पीड़ित शोषित समाज की हालत क्या होती। परमात्मा ने उसको सब दिया है जो मुझे और आपको दिया है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला और उसके लिए उसकी दुर्दशा। अवसर देना हमारा दायित्व बनता है, अवसर देना हम सबका दायित्व बनता है। और समाज का इतना बड़ा तबका जब विकास की यात्रा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला ताकत वाला खड़ा हो जाए, देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। कोई भूभाग पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई समाज पीछे नहीं रहना चाहिए। अरे शरीर का एक अंग अगर लकवा मार गया हो तो शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाता है। अगर शरीर का एक अंग भी वीक है तो ये शरीर कभी स्वस्थ नहीं माना जाता। ये समाज पुरुष का कोई एक अंग अगर निर्बल है तो फिर ये समाज सशक्त नहीं माना जा सकता, ये राष्ट्र सशक्त नहीं माना जा सकता। और इसलिए राष्ट्र का सशक्तिकरण उसमें है कि समाज के सभी अंग सशक्त हो। पुरुष हो स्त्री हो, इस जाति के हो उस जाति के हो, इस पंथ के हो उस पंथ के हो, ये भाषा वाले हो उस भाषा वाले हो, इस भूभाग रहते हो इस भाग पर रहते हो, हमारे लिए आवश्यक होता है कि सबके सशक्तिकरण के लिए हम क्या काम करें और उस काम को हमको पूरा करना। हमारे सामने बहुत बड़ा अवसर भी है, चुनौती भी है। 800 मिलियन यूथ, इससे बड़ा किसी देश का सौभाग्य क्या हो सकता है। उनको रोजगार देना, उनके हाथ में हुनर देना, भारत का भाग्य बदलने के लिए हमारे पास जो भी बुद्धि संपदा ज्ञान व्यवस्था संविधान जो भी है, हम उसका उपयोग हमारी शक्ति को कैसे उजागर करें। हमारे देश में आज भी इतने सालों के बाद भी हम लोगों की एक चिंता है, न्याय सबको मिले, न्याय सहज सुलभ हो, न्याय त्वरित हो।
लोकतंत्र के जितने पहलू महत्वपूर्ण है उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। वो लोकतंत्र को मजबूती देता है। उसी प्रकार से जस्टिस, सोशल जस्टिस एक विषय है, उसकी तो चिंता करनी ही है, लेकिन साथ साथ सामान्य मानवीय के जीवन में हम लोगों ने सोचना पड़ेगा कि न्याय, जैसे लोक अदालतें चली, लोक अदालत ने काफी परिणाम दिया, लेकिन हमने उस दिशा में आगे बढ़ना होगा और बढ़ करके हम उसको प्रयोग करें तो मैं समझता हूं काफी काम होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो एक महान काम किया, जो आज श्रमिक के कानों तक नहीं पहुंचता है, खड़गे साहब सही कह रहे थे, पहले कोई नियम नहीं था, वो कितने घंटे काम करेगा श्रमिक पता तक नहीं था, बेचारा खींचता था शरीर, जब तक बाबा साहब आम्बेडकर ने ताकत दिखाई और 8 घंटे समय सीमा निर्धारित की श्रमिकों के लिए। कोई महापुरुष एक काम करके जाता है, पीढ़ियों तक कितना बड़ा योगदान देता है, इसका नमूना है। और मैं मानता हूं कि हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम चीजों को करें। अब देख, हमें मैं जब ये काम लिया मैंने, तो हमारे यहाँ ईपीएफ अकाउंट, ये अकाउंट का बेचारा मजदूर एक जगह दूसरे चला जाए पता ही नहीं चलता उसके पैसे कहाँ गए। अब उसकी एक रकम इतनी होती थी वो लेने जाता नहीं था, और सरकार के पास 27,000 करोड़ रुपया पड़ा था, श्रमिक का पैसा था, उसके पसीने का पैसा था, लेकिन बेचारी की आवाज़ नहीं थी और कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने आकर के एक पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की, उसका यूएएन नंबर तय कर लिया, और इसका परिणाम ये हुआ है कि श्रमिक कहीं पर भी जाएगा, नौकरी छोड़ के जाएगा, राज्य छोड़ के जाएगा, गांव छोड़ के जाएगा, जहां जाएगा इस नंबर के साथ वो अकाउंट भी मूव करेगा, उसके पैसे उसके साथ चलते जाएंगे और उसके पैसों का हक कोई छीन नहीं पाएगा। काम करने का हमने प्रयास किया, हमने एक प्रयास किया है लीन नंबर, हमने एक प्रयास किया है लीन नंबर LIN, ऑनलाइन व्यवस्था की है श्रमिकों के लिए, लीन नंबर रखते ही उसको जितने उसकी चीजें हैं अपने आप मिल जाती है। हमारे देश में EPFO पेंशन मिलता था, जब मैं आया तो मेरे ध्यान में आया किसी को 7 रुपये पेंशन, किसी को 10 रुपये पेंशन, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 250, और बेचारे को ऑटो रिक्शा भी महंगी पड़ती थी पेंशन लेने के लिए जाने के लिए पोस्ट ऑफिस तक, लेकिन ये चल रहा था। हमने आकर के ही निर्णय किया और मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया कर दिया, और उनको भी आधार कार्ड से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में भी इसको जोड़ दिया। इस सदन में एक एक्ट आने वाला है, इस सदन में भी एक महत्वपूर्ण एक्ट आने वाला है, बोनस एक्ट के अंतर्गत की सीमा 3500 से बढ़ा करके 7,000 रुपये करना, और अर्हता को उसकी सीमा जो 10,000 है उसको 21,000 करने के लिए कैबिनेट ने पास किया है, और सदन में इस बार ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारे श्रमिकों के लिए आने वाला है। और इसलिए एक के बाद एक ऐसे निर्णय जो हमारे देश के गरीबों की भलाई के लिए काम आए, उस दिशा में हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात सही है कि कभी कभार हम लोग कई ऐसे विषयों पर भी चर्चा करते हैं। मैंने पहले भी एक बार इस सदन को कहा था, मैं आज दोबारा कहना चाहता हूं कि सरकार का एक ही धर्म होता है, सरकार का एक ही धर्म होता है इंडिया फर्स्ट, सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है भारत का संविधान। देश संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलना चाहिए, और संविधान के ताकत से ही देश को ताकत मिल सकती है, उसमें कोई भी प्रकार की दुविधा आशंका का कोई कारण नहीं। प्रधानमंत्री जी एक मिनट, 6 बज रहे हैं और मुझे लगता है आज की अगर आप सबकी सहमति हो
तो इस चर्चा की समाप्ति और हमारा संकल्प ये होने तक सभा की कार्रवाई के आगे समय बढ़ा दिया जाता है। भारत मूलतः किन आदर्शों और विचारों से पला बढ़ा है और जिन आदर्शों और विचारों से पला बढ़ा है वो हमारी एक ताकत है, वो हमारी एक आत्मिक शक्ति है और इसलिए हमने कभी हमारे देश की जो आंतर ऊर्जा है उसको कम आंकने की जरूरत नहीं है। हजारों साल की तपस्या से आंतर ऊर्जा तैयार हुई है और वही देश को भी गति देती है, समाज को भी गति देती है और संकटों से उभरने की ताकत भी देती है। और तब मैं जब उसकी बात करता हूं तो मैं कहना चाहूंगा आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म, आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, आइडिया ऑफ इंडिया पौधे में भी परमात्मा होता है, आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ समभाव, आइडिया ऑफ इंडिया अप दीपो भव, आइडिया ऑफ इंडिया तेन तक्तेन भूंजी था, आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुग्भाग् भवेत्, आइडिया ऑफ इंडिया न त्वं हम कामये राज्यम, न मोक्षम न पुनर्भवम, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम आतिनाशनम्, आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव भजन तो तेरे रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, आइडिया ऑफ इंडिया जन सेवा ही प्रभु सेवा, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया सहना भवतु सहनक भुरक्तु सह वीर्यम करवावहै, आइडिया ऑफ इंडिया नरक करणी करे तो नारायण हो जाए, आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी, आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्रा कृत्वा यन्तु विश्वतः, आइडिया ऑफ इंडिया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। इसी भाव के साथ मैं फिर एक बार सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और आपने जिस एक इनिशिएटिव लिया जिसके लिए देश हमेशा हमेशा आपका ऋणी रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। I want to know from the Honorable Home Minister, organizer of 30th November said, this constitution should be burned. Yes. This constitution should be burned. I want to know from him whether the Prime Minister also said, 1200 साल की गुलामी के बाद इख्तदार मिला। मैडम ये 1200 साल की गुलामी कहाँ है? अब पटेल, सरदार पटेल ने कहा था, कब कहा था? 31 में कहा था कि 200 साल की गुलामी थी।